वेल हेलो दोस्तों बुजुर्गों, मैं हूं आसान रोहमान। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुबिन कट मोटर ग्रेस में स्वागतम है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा। तो देख सकते हो ये टाटा मोटर्स, देख सकते हो श्रीराम टाटा मोटर्स ने मेरे को ये जो साइन बोर्ड है ये मेरे को दे दिया है। देख सकते हो यहाँ पर जुबिन कट मोटर ग्रेस लिखा हुआ है थोनतोला। ये मेरा फ़ोन नंबर था, मैंने रख दिया क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है और किसी के पास भी ये नंबर है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे के रखा हूँ। किसी को ज़रूरत है तो जाके व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। और देख सकते हो टाटा मोटर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आज का वीडियो है इसी के ऊपर, मैं बता रहा हूँ जो टाटा गाड़ी का मैं छोटा मोटा काम करता हूँ थोड़ा थोड़ा, आप लोग देखते हो, और इसी के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़ा। देख लीजिए, ये है स्टीयरिंग रॉड, आप लोग इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो देख चुके हो। और ये है जो एन इसका यहाँ पर लगा हुआ है, देख सकते हो। और ये ख़राब होने के बाद क्या प्रॉब्लम होते हैं मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ ए टू जेड। तो दोस्तों, ये एन ख़राब होने के बाद आपका जो स्टीयरिंग का जो हार बोल्जन है, स्टीयरिंग रॉड है, स्टीयरिंग बियरिंग है, कंप्लीट वो ख़राब हो जाएगी, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगी। क्योंकि ये जो पहले मारेगी ये वो एन, तो आपका जो आईविजिंग रोड का वहाँ पर आईविजिंग रोड लगा हुआ रहता है, इसके साथ आईविजिंग रोड लगा हुआ जो ये लगा हुआ रहता है, ये रोड जो है ये ख़राब हो जाएगी। और ये ख़राब होने के बाद ये जो पिले मारेगी तो जो स्टीयरिंग रोड होता है वो स्टीयरिंग रोड भी ख़राब हो जाएगी लंबी वाला। और जो स्टीयरिंग रोड जब ख़राब हो जाएगी तो उसका जो स्टीयरिंग प्लेट होता है उसका बेयरिंग रहता है वो ख़राब हो जाएगी बेयरिंग, और वो पुशिंग ख़राब हो जाएगी। और इसके अंदर एक बेयरिंग रहता है, आप लोग देख सकते हो। और इसका जो हार पार्ट, ये जो एन है, ये आईविजिंग रोड है, इसका बेयरिंग है, यहाँ पर बेयरिंग रहता है, ये भी बेयरिंग ख़राब हो चुका है इसके अंदर। ये बेयरिंग चेंज करने से ये आईविजिंग रोड पूरा सही हो जाएगी। तो इसका जो बेयरिंग चेंज करने वाला वीडियो वो आई बटन पर मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन पर आ जाएगी। और ये आईविजिंग रोड का जो चेंज करने वाला वीडियो है वो भी आई बटन पर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मिलेगा। ये जो ये है इसका जो ये एन है, ये एन का ही वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी, जाके देख सकते हो कैसे कैसे करना है काम। और दोबारा से मैं फिर ये वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो आप लोगों को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक से समझा के बना दूँगे, अपलोड कर दूँगे। तो इस आईविजिंग रोड का ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो ये आईविजिंग रोड प्ले मारेगी तो ये बोल्जन ख़राब हो जाएगी और एन ख़राब हो जाएगी, ये कंप्लीट ख़राब हो जाएगी, और आपका स्टीयरिंग बहुत सारा प्ले मारेगी तो आपका गाड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो जब स्टीयरिंग रोड थोड़ा प्ले मारेगी ख़राब हो जाएगी, स्टीयरिंग रोड का जो बोल्जन क्रॉस होता है उसका वहाँ पर टूट जाएगी बॉल, उसके अंदर बॉल रहता है वो बॉल टूट जाएगी, तब आपका गाड़ी स्टीयरिंग प्ले हो जाएगी। तो ऐसे चलाओगे तो आपका बहुत सारा रिस्क हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो जब आपका स्टीयरिंग प्ले मार रहा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए, थोड़ा छोटा मोटा काम निकल रहा है तो उसको जल्दी निपटाइए, तो आपका कम खर्चे में कंप्लीट हो जाएगी। और आज का वीडियो काम करने का ऊपर नहीं है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, तो कैसा लगा मुझे मालूम नहीं। तो प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक कर देना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग सब्सक्राइब करके रखते हो उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो मिलेगी आप लोगों को। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके देखते हो उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा हर वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक, और मेरे को बहुत सारा प्यार दीजिए। 20K मतलब 20,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाला है, तो जल्दी 20,000 सब्सक्राइब कम्प्लीट कर दीजिए जुबिन कट मोटर ग्रेस चैनल पर। तो 20,000 फैमिली होने वाला है, तो जल्दी 20,000 कंप्लीट कर दीजिए, आशा करता हूँ आप लोग जरूर कर दोगे।